हेलो एंड वेलकम आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप किस तरह बंदी और गिरदावारी को अप्लाई करेंगे कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बंदी और गिरदावारी को अप्लाई करना सेम प्रोसेस है सेम डिटेल है कुछ भी डिफरेंस नहीं है कुछ भी फ़र्क नहीं है चलो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आने वाले नए अपडेट्स के लिए चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या अपने लैपटॉप के ज़रिए पी के ज़रिए आप किसी भी ब्राउज़र में आएंगे सपोज़ यहाँ पर आप गूगल में आ गए तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे यहाँ पर आप टाइप करेंगे जे के रेवन्यू डॉट एन आई सी डॉट इन जे के रेवन्यू डॉट एन आई सी डॉट इन इस पर आप सर्च करेंगे तो सर्च करते ही ऐसा पेज ओपन हो जाएगा बहुत आसान है आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए पाँच मिनट में इसको अप्लाई कर सकते हो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है येलो कलर में ब्लिंक होते हुए अप्लाई फ़ॉर रेवन्यू सर्विसेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आप नीचे आएंगे अप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विसज़ यूज़र लॉगिन आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने क्लिक किया अब मैंने यहाँ पर ईमेल डालना है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर जो एक कैरेक्टर दिखाए गए हैं ज़ीरो फोर जीरो फाइव नाइन वन ये यह यहाँ पर डाले हैं जैसे मैं ये ये सब डिटेल यहाँ पर डाल दूँ तो यहाँ पर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा लेकिन याद रखिए आपका ईमेल और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए ओ आपके ई में आएगा तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल में एक ओ आ गया वो आप ओ टी पी यहाँ डाल देंगे और सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर सर्विस टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर गिरदवारी के लिए अप्लाई करेंगे या जमाबंदी के लिए अप्लाई करेंगे प्रोसेस सेम है सारी डिटेल सेम है तो इसलिए मैं एक ही पर वीडियो बनाऊंगा आप जमाबंदी को अप्लाई करो या गिरदावारी को अप्लाई करो सेम प्रोसेस है कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ आप पर आपको शो करता हूँ जमाबंदी या गिरदावारी मैं आपको जमाबंदी यहाँ पर शो कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चूज़ किया।, <coughs> तो किया तो यहाँ पर तहसील को चूज़ किया तो अप्लाई हेयर पर मैंने क्लिक किया जैसे ही अप्लाई हेयर पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ आधार चाहिए या या आपको आधार पीडीएफ में होना चाहिए या डोमोसाइल पीडीएफ में या आपका इलेक्शन कार्ड यानी वोटर कार्ड पीडीएफ में या पेन कार्ड पीडीएफ में या ड्राइविंग लाइसेंस पीडीएफ में वो तो हुआ आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा हुआ रेजिडेंस प्रूफ रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको चाहिए या तो डोमोसाइल या राशन कार्ड ई टिकट या वोटर आई कार्ड यानी एलेक्शन कार्ड तो आपको ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी चाहिए और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है ईयर ऑफ जमाबंदी मेंशन आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा जिस पे जमाबंदी का डॉक्यूमेंट होगा तो ठीक है नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर एनी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड क्या आपके पास कोई रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है लैंड के रिलेटेड होगा ठीक है नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर होगा इन दोनों डॉक्यूमेंट में से तो ज़रूर अपलोड करिएगा तो यहाँ पर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे अब आपने नाम डालना है उस पर्सन का जिसको जिसके नाम पे जमाबंदी हो उसका यहाँ पर नाम डालना है और जो डोमोसाइल हो वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड जो भी आप अपलोड करेंगे वो उसी पर्सन का अपलोड करेंगे जिसके नाम पे ये लैंड होगा उसी का नाम यहाँ पर डाल देंगे उसके पेरेंटेज यहाँ पर डाल देंगे और आधार नंबर डाल देंगे आधार नंबर कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन डाल देंगे क्या एम्प्लॉय है लेबर है या बिजनेसमैन है यहाँ पर आप रेजिडेंस एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे सेम रेजिडेंस एड्रेस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो वैसे सेम ही हुआ करता है आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप एरिया टाइप आप चूज़ करेंगे आप गांव से हो या अर्बन शहर से हो नॉर्मली गांव से हुआ करते हैं तो रूरल आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर विलेज को आप चूज़ करेंगे तो विलेज को यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया तो यहाँ पर विलेज एरिया यानि जो आपने विलेज चूज़ किया विलेज के कुछ मोहल्लाज होते हैं या विलेज का कोई सब विलेज होता है तो वो यहाँ पर शो करता है यहाँ पर अब आप आपने कीवर्ड नंबर डालना है तो जैसे मैंने कीवर्ड नंबर डाल दिया तो यहाँ पर खाता नंबर डालना है आपके पास एक खाता नंबर होगा दो खाता नंबर होंगे तीन खाता नंबर होंगे वो यहाँ पर आप डाल देंगे और यहाँ पर आप खसरा नंबर डाल देंगे एक होगा दो होंगे तीन होंगे चार होंगे सारे खसरा नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपने आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करना है जैसे कि मेरे पास आधार है मैं यहाँ पर आधार को अपलोड कर देता हूँ देखिए मैंने आधार को अपलोड किया आप अपने मोबाइल फ़ोन के गैलरी में चूज़ करके अपलोड कर सकते हो तो यहाँ पर आप इसी तरह आप यहाँ पर रेजिडेंस प्रूफ को अपलोड कर सकते हो जैसे कि डोमोसाइड राशन कार्ड या वोटर कार्ड और यहाँ पर अगर आपके पास कोई पुरानी जमाबंदी होगी तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो और नीचे अगर आपके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो वहाँ यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो ये दो डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है अगर आपके पास होंगे तो बहुत अच्छा होगा फिर इस बॉक्स को आप मार्क करेंगे और नीचे आएंगे सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आपने इस ओके बटन पे प्रेस करना है ओके okay पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे आप मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप अपना पेमेंट गेट वे चूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ज़रिए यहाँ पर मैं पेमेंट करूँगा आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे एक्सपायरी डेट डालेंगे सी वी नंबर डालेंगे और नाम जो कार्ड पे हो वो डालेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे अगर आपने अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए तो यहाँ पर मैंने ओ डालना है और मेक पेमेंट पे मैंने क्लिक करना है मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका रिसेप्ट जनरेट हो जाएगा देखिए यहाँ आपका रिसेप्ट जनरेट हो गया तो ये आप इस रिसेप्ट को आप सेव रखिए और एक आप वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको शो करूँगा कि आप किस तरह इस जमाबंदी जो पटवारी की तरफ से अब इशू हो जाएगा उसको किस तरह आप डाउनलोड करेंगे और अपने यूज़ में लाएंगे वो मैं आप नए वीडियो में आप बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए थैंक यू गुड बाय